अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ की टेस्ट ट्रांसमिशन में खुश आमदेद। मैं हूं मरियम जफर और मैं हूं नवीद बिलावल। सबसे पहले एक नजर डालेंगे आपकी हेडलाइंस पर। एहतसाब अदालत की नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस मुकम्मल करने के लिए तौसी की दरख्वास्त 8वीं बार मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 24 दिसंबर तक ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। बार बार वक्त लेने आ जाते हैं, क्या अलिफ लैला की कहानियां बयान करना होती हैं। चीफ जस्टिस का ख्वाजा हारिस से मुकालमा। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में अपने काम और मुखालिफीन की नाकामियां गिनवाते रहे। कहा उनके दौर में महंगाई नहीं थी, करंसी मुस्तहकम थी। उनसे पूछे बगैर डॉलर 10 पैसे ऊपर नहीं जाता था। उन्होंने मस्नूई तौर पर डॉलर नीचे रखा तो मौजूदा हुकूमत भी रख ले। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में दो टोक मौकिफ। कहा पाकिस्तान अब अमरीका के लिए किराए की बंदूक नहीं बन सकता, किसी और की जंग नहीं लड़ेंगे, वही करेंगे जो मुल्क और कौम के मफाद में होगा। सदर ट्रंप के साथ ट्विटर जंग नहीं, जवाब देने का मकसद रिकॉर्ड दुरुस्त करना था। अब अवामी नुमाइंदों के मुफ्ते खत्म। अरकाने पार्लियामेंट को कौमी शहरों पर टोल टैक्स की माफी नहीं मिलेगी। वजारत मवासलात ने सरकारी फरमान जारी कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की यासिर शाह को शाबाश। ट्विटर पर मुबारकबाद देते हुए कहा यासिर शाह ने 82 साल रिकॉर्ड तोड़कर तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। गुज़श्ता हफ्ते मेरा रिकॉर्ड भी बराबर किया, क्या शानदार कारकर्दगी दिखाई। अबू धाबी टेस्ट में टीम पाकिस्तान पर शिकस्त के साए गहरे हो गए। न्यूजीलैंड का 280 रन का पहाड़ जैसा हदफ हासिल करने की कोशिश में आधी टीम पवेलियन लौट गई। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे। और दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक का सफर। जुनैद जमशेद ने हमेशा सुनने वालों के दिलों पर राज किया। मारूफ नाथ खान जुनैद जमशेद की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान अमरीकी जंग बहुत लड़ चुका, अब वो करेंगे जो मुल्क के मफाद में होगा। पाकिस्तान किराए पर ली गई बंदूक नहीं है। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान का कहना था पाकिस्तान ने अमरीका की जंग लड़ते बहुत ज्यादा नुकसान उठाया है, अब वो करेंगे जो मुल्क की मफाद में बेहतर होगा। उन्होंने कहा सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में तालिबान की पनागाहों का इल्जाम लगाया। पाकिस्तान में तालिबान की कोई पनागाहें नहीं है। चाहते हैं अमरीका अफगानिस्तान से जल्दबाजी में ना निकले। तालिबान पर दबाव डालने की बात करना आसान है लेकिन अमलन ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान की पहली तरजीह है, उसके लिए सब कुछ करेंगे। साबिक वजीर आजम के हवाले से आपको बताएं, नवाज शरीफ कहते हैं जाती वजूहात पर दिल नहीं चाहता कि कुछ बोलूं। शहबाज शरीफ को 2.5 माह बंद रखने वाले बताएं तफ्तीश में क्या मिला। अगर उनकी हुकूमत ने डॉलर को मस्नूई तरीके से बरकरार रखा तो मौजूदा हुकूमत भी ऐसा कर ले। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ, उन्हें शबो रोज मेहनत का ये सिला दिया गया। वो अपनी अहलिया को लंदन में बिस्तर मर्ग पर छोड़कर आए लेकिन उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। साबिक वजीर आजम का कहना था कि मुल्की मईशत यू टर्न से नहीं सच बोलने और काम करने से मुस्तहकम होती है। उनके दौर में डॉलर 10 पैसे भी बढ़ता तो उन्हें पता होता था। उन्होंने कहा कि टमाटर 200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है, पेट्रोल गैस खाद बिजली की कीमतें दुगनी हो गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत की मुद्दत में 8वीं बार तौसी कर दी है।
अदालत ने 24 दिसंबर तक ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शरीफ खानदान के खिलाफ नए रेफरेंसेस की समाअत की मुद्दत में तौसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। ट्रायल मुकम्मल ना होने पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बरहमी का इजहार किया। कहा, बार बार वक्त लेने आ जाते हैं, क्या अलिफ लैला की कहानियां बयान करना होती हैं? 10 दिसंबर तक ट्रायल मुकम्मल करें। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने मज़ीद 10 दिन की मोहलत मांगी। अदालत ने ट्रायल 24 दिसंबर तक मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मुफ्त की मौजें ख़त्म, अब अवामी नुमाइंदों को भी कौमी शाहराहों पर टोल टैक्स देना पड़ेगा। वज़ारत मवासलात ने सरकारी फरमान जारी कर दिया। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सेनेट, कौमी और सूबाई असेंबलियों के अराकीन को टोल टैक्स की अदायगी का पाबंद बना दिया गया है। वज़ीर मुमलिकत बराए मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि आवाम पर बोझ और अवामी नुमाइंदों की मौज वाला सिलसिला ख़त्म करना होगा। अवामी नुमाइंदे महसूलात की अदायगी में आगे आए और अवाम के लिए मिसाल बने। अब तफरीक की बजाय मसावात और बराबरी का उसूल अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में मुंतखब अवामी नुमाइंदे दौरान सफर जहाँ से भी गुजरेंगे अपने हिस्से का महसूल अदा करेंगे। आपके कारोबार की बात करेंगे और आपको बताएंगे कौमी एयरलाइन में माली बोरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पायलट्स और एयर क्रू 8 माह से फ्लाइट ट्रेवल अलाउंस से महरूम हैं। नवंबर की तनख्वाह भी नहीं दी गई। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन बैरून मुल्क सफ़र पर पायलट्स को $6 फी घंटा जबकि अमले को $3 से $4 फी घंटा फ्लाइट अलाउंस देती है। गुज़िश्ता 8 माह से ये अदायगियाँ रोक दी गई हैं। तनख्वाहों में ताखीर से PIA मुलाजमीन सख्त माली मुश्किल से दोचार हैं। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें, पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में आ गए। काला शकाकु इंटरचेंज के करीब धुंध के बायस ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जान बहक हो गए। और मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं मुल्क के मैदानी इलाकों खुसूसन पंजाब में धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है। मोटरवे और कौमी शाहराह पर धुंध ने ट्रैफिक का चलना मुहाल किए रखा। धुंध के बायस काला शकाकु इंटरचेंज के करीब मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं जिसके बायस 3 अफराद जान बहक हुए। महकमे मौसमियात ने मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत की है। क्रिकेट की बात करेंगे और आपको बताएंगे अबूधाबी टेस्ट में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी इनिंग 7 विकेटों पर 353 रन पर डिक्लेयर कर दी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 280 रन का हदफ दिया है। पांचवें रोज न्यूजीलैंड ने 4 विकेटों पर 272 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाई तो कप्तान केन विलियमसन पहली ही गेंद पर 139 रन पर पवेलियन चले गए। ग्रैंड होम 26 रन पर कैच आउट हुए। वॉटलिंग को खाता खोलने का मौका भी ना मिला। पाकिस्तान की जानिब से यासिर शाह ने 4, शाहीन अफरीदी ने 2 और हसन अली ने 1 खिलाड़ी का शिकार किया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का आगाज भी कुछ अच्छा ना था। अपना आखिरी टेस्ट खेलने वाले ओपनर मोहम्मद हफीज एक बार फिर नाकाम हो गए और 8 रन बनाकर विकेट गंवा दी। दिल दिल पाकिस्तान से मेरा दिल बदल दे तक कौम के दिलों पर राज करने वाले जुनेद जमशेद को बिछड़े 2 बरस बीत गए हैं। और इसी हवाले से आपको बताएंगे 7 दिसंबर 2016 को कौमी एयरलाइन की परवाज को चित्राल से वापसी पर हादसा पेश आया। इस अफसोसनाक वाकये में मारूफ मुबल्लिग जुनेद जमशेद समेत 47 मुसाफिर शहीद हो गए। जुनेद जमशेद बरसों पहले मौसीकी की दुनिया को खैरबाद कहकर तबलीगी जमात से वाबस्ता हो गए थे। उन्होंने हमदोसना और नातखानी भी की। उनकी आवाज और शख्सियत का सहर आज भी बरकरार है। आप न्यूज की टेस्ट ट्रांसमिशन बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप न्यूज के साथ रहिएगा।